फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की भारतीय दौड़ती जिंदगी में हमने काफ़ी कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आए हैं। उसमें एक है अपने खाने पीने में। आज हम अपना खाने पीने में फास्ट फूड को और कोल्ड ड्रिंक्स को काफ़ी हमने तरजीह दे दी है, जिसके कारण हमारे लीवर के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और हमारी डाइजेशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब ये लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि हमारे लीवर को डैमेज करती हैं, तो हम कैसे पहचान करें कि हमारा लीवर खराब हो रहा है, या वो क्या निशानी है या क्या संकेत हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे लीवर के ऊपर इसका असर शुरू हो गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, इसको जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैंने अपनी लीवर के ऊपर जो पिछली वीडियो उसके बारे में बताया है कि लीवर हमारे शरीर के एक बड़ी से ऑर्गन है और ये इसको हम अपनी केमिकल फैक्ट्री बॉडी बोलते हैं, अर्थात जो भी हम खाते पीते हैं उसका डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारी सेहत के ऊपर बुरा असर डालती हैं, वो हमारे लीवर को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। और लीवर की जो मुख्य तौर पर आम दो बीमारियाँ होती हैं, उनमें आता है हेपेटाइटिस और दूसरा है सिरोसिस। वैसे तो लीवर का कैंसर भी आता है, लेकिन वह काफ़ी एडवांस स्टेज होती है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे हेपेटाइटिस और सिरोसिस के बारे में। हेपेटाइटिस का अर्थ होता है कि लीवर में सूजन होना, किसी प्रकार की इन्फेक्शन के कारण इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसके कारण लीवर सेल सूज जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसके कारण काफ़ी हमारे डैमेज होता है। और दूसरा होता है सिरोसिस। ये उन लोगों को होता है जो काफ़ी देर से लंबे अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं या फैटी एसिड जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लीवर के ऊपर फैट जमा जाता है, उसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। वही उसकी आगे जाके एडवांस स्टेज आती है सिरोसिस, यानी लीवर के सेल जो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आज ही हमने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया और कल हमारा लीवर डैमेज हो गया, या आज हमने फास्ट फूड खाया तो हफ्ते हमारा लीवर डैमेज हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर हम कंटिन्यूसली लगातार किसी चीज़ को जो कि हमारे लीवर को डैमेज कर रही है इस्तेमाल करते हैं, तो उसी का ही असर आता है। तो सबसे पहले इसमें निशानियाँ आती हैं वो इस प्रकार से हैं। लीवर खराब होने का जो सबसे पहला संकेत है वह है भूख ना लगना, यानी एनोरेक्सिया। हमें कुछ भी खाने पीने को मन नहीं करता है और इसके साथ साथ हमारा पेट फूलना शुरू हो जाता है। एक तो भूख नहीं लग रही, खा नहीं रही, लेकिन ऊपर से पेट फूल रहा है, तो समझ लीजिए आपका लीवर खराब होना शुरू हो गया, डैमेज होना शुरू हो गया है। वो ऐसे इसलिए होता है कि अगर हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि लीवर को डैमेज करती हैं, तो वो एक लीवर सेल का एक रिएक्शन होता है, जिसके कारण हमारे जो एंजाइम्स और प्रॉपर मात्रा में सिक्रेट नहीं होते हैं, जिसके कारण हमें भूख नहीं लगती है। और दूसरा, हम जो कुछ भी ज़बरदस्ती खाते हैं वो प्रॉपर से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके कारण हमारा पेट फूलने लग जाता है। तो भूख ना लगना और पेट फूलना, ये इसकी पहली निशानी है। दूसरा है कि आंखों में अगर पीलापन दिखाई दे, यानी जॉन्डिस, पीलिए की निशानी शुरू हो जाए, तो ये भी लीवर की एक स्टेज है। क्योंकि लीवर सेल जब डैमेज होते हैं तो उसमें बाइल प्रॉपर मात्रा में या तो प्रोड्यूस नहीं होता या वो एक्सक्रीट नहीं होता, जिसके कारण से वो हमारे ब्लड के बीच में जमा होकर हमारे शरीर के ऊपर असर दिखाना शुरू कर देता है। और उसका सबसे पहला नजर आता है आंखों में। अगर हमारी आंखों का रंग पीला होना शुरू हो गया है, तो समझ लीजिए आपका लीवर खराब हो रहा है। और इसका साथ में एक और सिम्टम ये है कि अगर आपका यूरिन ज़्यादा पीला आ रहा है, पेशाब को ज़्यादा पीला आ रहा है, तो ये भी खराब लीवर की निशानी हो सकती है। इसके लिए आप 2-4 दिन लगातार पानी पीने की मात्रा को बढ़ा दीजिए। अगर पानी पीने से आपका पेशाब का रंग बिल्कुल साफ हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी निशानी है। अगर नहीं होता है, तो आपको लीवर के टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। इससे अगली जो निशानी है वह है कि अगर आपका चेहरा सूजा सूजा सा लग रहा है और फूला लग रहा है, यानी पफी फेस लग रहा है, खासतौर पर जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अपने चेहरे के ऊपर सूजन नजर आती है, और साथ ही अगर ये सूजन पैरों में भी है, तो ये भी एक लीवर खराब होने की निशानी है। तो ये कुछ एक खास निशानी है जिसको आप बिना किसी डॉक्टर से मिले या बिना कोई टेस्ट कराए आप जान सकते हैं कि आपका लीवर खराब हो रहा है। इसके अलावा हम अगर मान लो किसी को ये निशानी हो रही है, तो उसके लिए हमें कुछ एक ब्लड टेस्ट करवा के देखने पड़ते हैं, जिनमें आता है लीवर प्रोफाइल टेस्ट, यानी लीवर के टेस्ट। इसमें हम बिलिरुबिन चेक करते हैं, इसमें हम SGPT SGOT चेक करते हैं, और साथ में एंजाइम्स करते हैं और प्रोटीन चेक करते हैं। जिस प्रकार की जो भी इसमें खराबी आती है, वो आपका डॉक्टर उसको डायग्नोस करके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देता है। और साथ ही अगर इसको साथ में अगर हम MRI या CT स्कैन भी करवा के देख लें, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लीवर के बारे में डैमेज कितना है इसके बारे में प्रॉपर डायग्नोस पता चल सकता है, और कितनी मात्रा में ये भी पता चल जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए, तो ये कुछ एक बेसिक टेस्ट हैं जिससे हम पता करा के देख सकते हैं कि हमारा लीवर कितना डैमेज हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ एक महत्वपूर्ण सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं लीवर डैमेज होने के। अगर हम इसके परहेज से इस चीज़ों को अवॉइड करें जो हमने बताई हैं कि फास्ट फूड नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं पीना है, किसी तरह की अन्य जो भारी वस्तुएं, तेल घी वाली चीज़ को ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, तो इन सिम्टम्स से काफ़ी जल्दी निजात भी पा सकते हैं और हमें ज़्यादा मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती है।
तो इस तरह से अगर हम कुछ एक परहेज करें और किसी को अवॉइड करें तो आप अपने लीवर को बचा सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी लीवर के बारे में। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।